दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और प्लस फोर क्यू परस्पर एल दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच तीसरा आवेश प्लस क्यू इस प्रकार रखा जाए कि निकाय संतुलन में है। प्लस क्यू की स्थिति का मान और चिन्ह बताइए। हल माना प्लस फोर क्यू और प्लस क्यू प्लस फोर की बिंदु ए पर तथा प्लस क्यू बी बिंदु पर हैं। इन दोनों के बीच की दूरी एल है तथा माना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं कोई बिंदु एक सी है जिस पर क्या रखा है प्लस क्यू आवेश रखा गया। इसका अभी हमें परिमाण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूँकि इस प्रश्न में बार बार दर्शाया जा रहा है बताया जा रहा है चूँकि निकाय संतुलन की अवस्था में है अतः हम प्लस क्यू पर फोर क्यू के तथा प्लस क्यू के द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा बराबर होगा अथवा निकाय के प्रत्येक बिंदु पर कुल बल का मान क्या होगा शून्य होगा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं चूँकि हमें क्या पता करना है क्यू प्लस कैपिटल क्यू कहाँ पर स्थित है कैपिटल क्यू कहाँ पर स्थित है इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे बिंदु क्यू पर जो बल कार्य कर रहे हैं उन चूँकि बिंदु क्यू तीनों आवेश का जो निकाय है वह संतुलन की अवस्था में अर्थात जो बिंदु क्यू पर जो बिंदु सी है उस पर बिंदु ए के द्वारा जो बल लगेगा और तथा सी पर बी के द्वारा जो बल लगेगा दोनों का मान बराबर होगा तभी परिणामी बल बिंदु सी पर क्या होगा शून्य होगा। अर्थात सी पर ए के द्वारा लगने वाला बल अथवा कैपिटल क्यू पर फोर क्यू के द्वारा लगने वाला बल का मान कैपिटल क्यू पर प्लस क्यू के द्वारा लगने वाले बल के मान के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं एफ सी ए बराबर एफ सी बी चूँकि दोनों के बल के मान बराबर हैं। अगर बल के मान बराबर हैं और दिशाएँ विपरीत हैं अगर बल के मान बराबर हैं तथा दिशाएँ विपरीत हैं तो उनके परिमाण क्या होंगे बराबर होंगे। एफ सी ए बराबर क्या हो जाएगा एफ सी बी हो जाएगा और एफ सी ए का मान क्या होगा हम जानते हैं कूलम्ब के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों क्यू वन और क्यू टू के बीच लगने वाला जो बल होता है वह क्या होता है 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर अर्थात फोर क्यू और कैपिटल क्यू के बीच दूरी क्या है x है तो जो एफ सी ए का मान होगा वह क्या होगा 1/4πε0 फोर क्यू कैपिटल क्यू अपान एक्स स्क्वायर तथा एफ सी बी के बीच जो बल होगा वह क्या होगा 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 क्या होगा इधर से कट जाएगा और इधर भी क्या है 1/4πε0 ये भी कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बाई तरफ 4/x² और दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा 1/l-x² तो हमें क्या मिल जाएगा एल माइनस एक्स बराबर क्या होगा x बाई टू या एल बराबर क्या हो जाएगा 3x/2 और x का मान क्या हो जाएगा 2l/3। यहाँ तक समझ में आया भैया। अब हम बात करते हैं q का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे q का मान ज्ञात करने के लिए किसी ये तीनों आवेशों के समूह में से किसी एक आवेश पर कुल बल को हम लोग शून्य करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बिंदु ए पर बिंदु B और C के द्वारा लगने वाले बल को हम क्या कर रहे हैं शून्य करना चाह रहे हैं। तो चूंकि बिंदु A पर कुल बल शून्य है तो बिंदु A पर C के द्वारा जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं एफ ए सी बिंदु A पर B के द्वारा जो बल लगेगा उसको क्या लिखेंगे एफ ए बी चूँकि हम कह रहे हैं निकाय संतुलन में है अर्थात बिंदु A पर जो कुल बल होगा वह क्या होगा शून्य होगा। अर्थात एफ ए सी बराबर क्या होगा माइनस एफ ए बी अर्थात हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू पर जो आवेश होगा उसका मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। ये दोनों बल कब जीरो होंगे जब कैपिटल क्यू का आवेश क्या होगा फोर क्यू और क्यू के विपरीत होगा अर्थात ऋणावेश होगा क्योंकि दोनों बल बराबर हैं केवल दिशाएं विपरीत हैं जिसके कारण इनके परिमाण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे और क्या हो जाएगा परिमाण एफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा परिमाण एफ ए बी और इसका मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 फोर क्यू गुड़े क्यू अपान एल स्क्वायर
क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, एल है, और आवेश क्या है, 4q है और क्यू है, तथा बिंदु ए पर सी के द्वारा जो बल होगा उसका मान क्या होगा, एफ ए सी, और एफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 4q कैपिटल क्यू अपान एफ ए और सी के बीच की दूरी क्या है, 2l/3 पुटअप कर देंगे, 2l/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1/4πε0 दोनों तरफ से कट जाएगा, 4q भी कट जाएगा, तो बचा क्या, क्यू अपान कैपिटल एल स्क्वायर बराबर 9q/l2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर 4/9q, अर्थात कैपिटल क्यू का मान क्या हो जाएगा, -4q/9, और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 4q से 2l/3 और प्लस q से l/3। धन्यवाद।